बहादुर रोड बाईपास के पास खेत में 11 केबी लाइन के तार से करंट लगने से 6 भैंस एक बछड़े की मौत हो गई। इसमें एमपीईबो के कर्मचारियों की लापरवाही साफ दिखाई जा रही है, क्योंकि उस लाइन के तार इतने नीचे हैं कि कई खंभे भी टेढ़े हो रहे हैं। कभी भी घटना घट सकती है, लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं भैंसों के मालिक उन्हें विद्युत विभाग की लापरवाही बताई है। क्या है? मूलचंद मौर्य। आप क्या करते हैं? किसानी। जो अभी घटना घटी है उसमें कितने मवेशियों का नुकसान हुआ है? अच्छा, कितने का नुकसान हुआ? लगभग 4 लाख का। और उसमें कुछ गाय या बच्चा भी है? और आप विद्युत मंडल को क्या कहेंगे? विद्युत मंडल को दोषी ठहराएंगे। अच्छा, पावर हाउस की लापरवाही के कारण जो मवेशी उजान गए, थोड़ा तेज बोलेंगे। मतलब ये तार आज ही टूटा या पहले का टूटा था? अब जो विद्युत मंडल वाले तो आज की बता रहे हैं, और जो भैंसन को गुआर है वो 3 दिन का बता रहे हैं। अच्छा, आपकी भैंसे हैं क्या? नहीं, भैंस अपनी नहीं, ग्वाल है। मतलब ग्वाल है वो, भैंस चरवाए। हाँ, भैंसे चराने वाले। 3 दिन का बता रहे हैं, टूटा हुआ बता रहे हैं। क्या, किस पोस्ट पे हैं आप? ये भी जो अभी भैंसे मरी हुई हैं, कितनी भैंसे? डॉक्टर साहब, इसके भैंसे यहाँ पे पड़ी हुई? फोन गया था। फोन गया था तो अभी कितने करीब नुकसान हो गया होगा डॉक्टर? नुकसान तो बहुत ज्यादा हो गया, 60,000 की तो एक ही भैंस, 60,000, 50,000 ऐसे भी अलग अलग रेट है। 3 लाख से ऊपर माने? हाँ, 3.5 लाख के आसपास, 3.75-3 लाख की। अच्छा, कुल ये 6 भैंसे चपेट में आई है कि और भी ज्यादा थी? नहीं, यही आई है मेरे उसमें। और गाय वगैरह बच्चा आया है? अच्छा, 6 गाय भैंस और 1 गाय। एक लाल कर रहे थे? आरोनी आपकी भैंसे थी क्या? हाँ, एक यावन थी, बड़ी। और उसकी कीमत क्या होगी? लगभग 60,000। अब ये छपा पाई है हमारी। और आपके भैंस कितनी भैंसे थी? एक थी, दो। तो उनकी कीमत क्या होगी दोनों भैंसों की? लगभग 1,20,000 करीब। अब ये सामान चल दो ही गया अपने। कहीं की कम नहीं है 60,000 से नीचे। क्या नाम है आपका? श्री राम प्रसाद ग्वाल है, पिताजी का नाम। अच्छा, ठीक। आपकी भैंस है? आपको कब पता लगा था? अभी। किसके माध्यम से? फोन के माध्यम से, किसी व्यक्ति द्वारा? में खबर लगी, बताया लगा। अच्छा, आप इसमें किसको दोष देंगे? इसमें यूँ कहिए कि एमपीवी का है वो, तो सब उनको देखना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।